अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिसार के उकलाना में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के तीन लोग जिंदा जले, तीन की मौत, चार बुरी तरह से घायल। जिला हिसार के उकलाना मंडी के नजदीकी गांव भैरी अकबरपुर भेरिया के पास ढाणी बनाकर रह रहे सुरेश जांगड़ा के घर में शुक्रवार करीब 2 बजे जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों का आज नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। हादसे में घायल आरती ने बताया कि परिवार के सभी 8 लोग घर में सो रहे थे। देर रात जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। घर की सभी तारों से धुआं और आग निकल रही थी। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और राहत का कार्य आरंभ किया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को हुई मुश्किल। ढाणी की तरफ का रास्ता खराब होने के कारण एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घटना स्थल पर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उकलाना थाना प्रभारी 3 बजे मौके पर पहुंचे और जांच आरंभ की। उन्होंने बताया कि घर में सुरेश व उसके भाई प्रभु के परिवार के 8 लोग सोए हुए थे। आग लगने के कारण सुरेश की पत्नी सुमन, बेटी निशा और रजनी की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों के शव सुबह 4 बजे नागरिक अस्पताल में भेजे गए। आज तीनों का पोस्टमार्टम होगा। हादसे में सुरेश, उनकी भतीजी अंजू चेतना और आरती झुलस गई। रजत और गीता को सुरक्षित निकाल लिया गया। गौरतलब है कि आज से 5 रोज बाद इस गांव में बाबा रामदेव के मंदिर में विशाल मेला लगना है और समस्त ग्रामीण इसकी तैयारियों में लगे थे, किंतु कल रात को हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद सारे गांव में शोक की लहर फैल गई। पूरे गांव के लोगों को इस दर्दनाक हादसे के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया और सरकार और प्रशासन से पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता देने की मांग की है। तीन बच्चे हैं और एक जेंट्स हैं, जो कि यहाँ पर दो भाई रहते हैं, उनमें से एक भाई हैं जो कि एडमिट हैं, दो सोनीबर्न हॉस्पिटल में, दो भारत हॉस्पिटल में। प्रशासन की तरफ से मदद होगी इसमें। हाँ, ये काफी वास्तव में दर्दनाक हादसा है जिसके अंदर की दो बच्चियां और उनकी माता की से मृत्यु है। कारणों की जांच की जा रही है। हमारी यहाँ पर FSL टीम भी आई हुई है। मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं। जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो उसी हिसाब से, जो हमारे सामने चीजें आएंगी उसके हिसाब से की जाएगी। इसी प्रकार का एक सेम हादसा जिसमें सिर्फ जान की हानि नहीं हुई, साउ गांव में भी हुआ है, जहां पर आग लगने से मोटरसाइकिल जल गया और मकान। तो क्या कहीं न कहीं ये बिजली विभाग की तरफ इशारा नहीं कर रहा कोई इस प्रकार की घटना आई हो? ये जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि ये आग किस लिए लगी। फिलहाल जांच की जा रही है। तो 12:15 बजे लगभग तार बिजली के वजह का कारण आग लगी है जी। और पहले बिजली के तार टूट के और एक मतलब दो लड़की और एक उसकी माँ के ऊपर गिरे जी, वो बिजली से मतलब मरी है और उसके बाद में आग लग गई जी। और आग लगने से ज़्यादा आग और धुआं उठे थे दूसरे कमरे में, मतलब उसका पिताजी सोते थे जी, वो उठ गया है, उसने भी करंट की चपेट में आए और करंट लगने के बाद में वो मतलब वहीं घायल हो गया। एक मैं आया, एक सुरेश है, एक जगदीश मंडा, हाँ, और एक कौन था, बलवंत, ये चार आदमी उसको मतलब पड़ोसी है हम जी डानिया में, तो उन्होंने उनको बचाया जी। सुरेश की तो जान बच गई जी लगभग, हाँ मौके पर। बाकी कितने बजे घटना है? ये घटना 12:15 बजे आग लगी है जी और 1 बजे करीब हम मतलब 1:45 बजे आ लिए थे जी। अब मतलब दो लड़की और एक उसकी माँ तो मौके पे ही मतलब पूरी होगी, और लगभग 3 लड़की और एक उसका बाप एडमिट है जी, वो ज़्यादा घायल है। लगभग 50% के मतलब तकरीबन चल चुके हैं। भेरी अकबरपुर उकलाना से अनूप कुंडू, अमित वर्मा के साथ कुलदीप सोनी बरवाला की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।